नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। 20 अगस्त को यूपी TSSC की पैट की परीक्षा है। आपकी तैयारी हेतु एक मॉडल टेस्ट लेकर आया हूं मैं। इस टेस्ट में शुरुआत होगी करंट अफेयर से, कुछ बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि कितने प्रश्न आज आपके सही हुए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टोक्यो ओलंपिक जो कि हाल ही में 23 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, जो कि पिछले साल 2020 में होने थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 का मस्कट शुभंकर क्या रखा गया है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार जो है टोक्यो ओलंपिक हाल ही में हो रहा है जुलाई में, और यहां से प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना रहेगी। ओलंपिक का मोटो, थीम, भारत का जो है सॉन्ग क्या है, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या रखा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिराइटोवा। मिराइटोवा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जो है ये स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से ओलंपिक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से कवरअप करके जाइएगा एग्जाम में। दूसरा प्रश्न देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 हेतु भारत सरकार द्वारा एथलीटों के लिए एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है, वो थीम सॉन्ग क्या है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। रियो में भी जब भारत सरकार द्वारा जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया था उस पर प्रश्न पूछा गया था रियो ओलंपिक के दौरान, और अब टोक्यो ओलंपिक हो रहा है 23 जुलाई से, तो भारत सरकार का थीम सॉन्ग एथलीटों के लिए क्या है। टोक्यो ओलंपिक और हमारा लक्ष्य, भारत का लक्ष्य, मजबूती से एक साथ जीतना, लक्ष्य तेरा सामने है, सही जवाब क्या होगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 हेतु भारत का थीम सॉन्ग इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तेरा सामने है, ध्यान रखिएगा प्रश्न बन सकता है। हाल ही में 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई थी। हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, प्रश्न बन सकता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया और 23 जुलाई से अभी हाल ही में शुरू हुआ है टोक्यो में ओलंपिक, तो थीम क्या रखी गई है इस साल 23 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हुआ। चारों ऑप्शन देख लीजिए, सही जवाब है स्टे हेल्थी, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एक्टिव। तीसरे का हो जाएगा जवाब ऑप्शन बी, तीसरे का सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्यान से देख लीजिए प्रश्न के इस उत्तर को। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको ध्यान रखना है जो अभी 23 जुलाई से टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है वो 2020 का ओलंपिक है, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण स्थगित हो गया था, और अब वही टोक्यो ओलंपिक 2020-2021 में हो रहा है, लेकिन करंट अफेयर का जब भी प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, पैट की परीक्षा में, कोई भी एग्जाम में, तो प्रश्न हमेशा टोक्यो ओलंपिक 2020 लिख करके आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि हाल ही में 2021 में हो रहा है 23 जुलाई से जो स्टार्ट हुआ है, प्रश्न हमेशा टोक्यो ओलंपिक 2020 लिख करके पूछा जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में 23 जुलाई 2021 को जो ओलंपिक चल रहे हैं इसका जो है थीम क्या है, थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 का थीम क्या है जो कि हाल ही में चल रहे हैं 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक, यूनाइटेड बाय इमोशंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5-स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, याद रखिएगा यूनाइटेड बाय इमोशंस। रियो ओलंपिक जब हुआ था तो यूपी के एग्जाम्स में एक प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा कुल कितने एथलीट्स को भेजा गया था, उस समय 117 एथलीट्स को भेजा गया था। प्रश्न यहाँ पे ये है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि अभी चल रहे हैं इसमें कुल 18 खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए, कितने 18 स्पोर्ट्स, टोटल 18 स्पोर्ट्स के लिए भारत द्वारा कुल कितने एथलीट्स भेजे गए हैं, 120, 125, 127, 130, सही जवाब क्या होगा।
आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज के इस टेस्ट में कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 127 एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे 18 स्पोर्ट्स के अंदर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो कि चल रहा है अभी उसमें। तो संख्या याद रखनी है आपको 127। हाल ही में 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस साल इसकी थीम क्या रखी गई थी? घर में रहकर योगा करें, मानव तंदुरुस्ती और कल्याण हेतु योग, कोविड विश्व में इंटरनेट सहायता से योग, कोविड विश्व में योगा का महत्व। तो 21 जून 2021 की डेट याद रखनी है आपको, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, भारत की देन है ये, और इस साल इसकी थीम रखी गई थी मानव तंदुरुस्ती और कल्याण हेतु योग। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एम योगा ऐप भी लॉन्च किया था जिसमें कि वीडियो के माध्यम से कई तरह के आसन दिखाए जाएंगे और वहां से घर पर रह करके सीख सकते हैं। पिछले साल 2020 में जो थीम थी वो थी घर में रहकर योगा करें, इस साल 2021 में थीम है मानव तंदुरुस्ती और कल्याण हेतु योग। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर से कुल मिला के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा में। कोशिश करिएगा जब भी आप रिवीजन करें तो पीछे से चलें, पहले जुलाई, फिर जून, फिर मई, फिर अप्रैल, इस तरीके से आप रिवीजन करना है, ठीक है। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में प्रथम तीन राष्ट्र कौन से हैं? पैट की परीक्षा में हमेशा प्रश्न जो है वो क्रमांक के रूप में पूछा जाता है, पहले तीन राष्ट्रों का जो ऑर्डर है वो कौन सा है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र उठाएंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया है, इसमें प्रथम तीन राष्ट्र कौन से हैं? ध्यान से देखिए जरा इस प्रश्न को, छठे का सही जवाब क्या होगा? पहले नंबर पे कौन सा देश है, दूसरे पे कौन सा है, और तीसरे पे कौन सा है? आइसलैंड, फिर है न्यूजीलैंड, और फिर है डेनमार्क, ठीक है। ऑप्शन सी सही क्रमांक में जो लगा हुआ है, आइसलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में 160 से भी अधिक देशों की रैंकिंग जारी की गई है, इसमें भारत का स्थान क्या रहा? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 ग्लोबल पीस इंडेक्स, सही जवाब है 135वां। सातवें का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, 12 जनवरी से 15 फरवरी तक मनाए गए विश्व पुस्तक मेला 2021 नई दिल्ली की थीम क्या रही? नई दिल्ली में मनाया जाता है, तो इस साल विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या रही? कोविड-19 से संबंधित जानकारी व सुरक्षा, कोविड विश्व में इंटरनेट से शिक्षा, नई शिक्षा नीति, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। इस साल भारत सरकार 198वीं जयंती जो है मना रहा है स्वामी विवेकानंद की, और काफ़ी सारे जो हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें भी की जा रही हैं इस संदर्भ में। फिलहाल विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या है, चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। सही जवाब है नई शिक्षा नीति 2020 को इस साल विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम बनाई गई है। जी हाँ, नई शिक्षा नीति 2020, याद रखना है, विश्व पुस्तक मेला पर प्रश्न 3 से 4 बार बन चुका है। करंट अफेयर आपको पिछले 6 महीने के अच्छे से रिवाइज करके जाना है एग्जाम में। जून में कुछ इंपॉर्टेंट दिवस घटित हुए हैं जहां से प्रश्न बन सकता है, आपके सिलेबस में बकायदा दिया हुआ है कि तिथि और दिवस पर प्रश्न आएगा। तो यहां पर देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, विश्व मधुमेह दिवस 27 जून। तो इसमें से जो तीन हैं, एक तो पर्यावरण दिवस, शरणार्थी दिवस और मधुमेह दिवस, इस पर सेपरेट प्रश्न पैट की यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में जो है प्रीवियस में पूछा जा चुका है, यहाँ पे चारों मैंने लिख दिए हैं।
कौन सा एक सही सुमेल नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी थीम भी आपको पता होनी चाहिए, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को। यहाँ पे चारों ही सही हैं, ठीक है। एग्जाम में कोई एक गलत होगा तो ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। हाल ही में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, अभी हमने देखा था, तो इसकी थीम क्या रखी गई। टाइम फॉर नेचर, बीट एयर वाटर पॉल्यूशन, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर, रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 5 जून, सही थीम है ऑप्शन डी, रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, ठीक है। आपको इंग्लिश पर फोकस करना है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ऑप्शन डी, रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली। प्राचीन भारत से प्रश्न है, आपके सिलेबस में महात्मा बुद्ध और जैन धर्म, इनसे जुड़ी हुई जीवनियां और उस पर संबंधित प्रश्न सिलेबस का हिस्सा है। जो जो सिलेबस में दिया है उस शब्दों को उठाना है, वहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था। जैन तीर्थकर इनमें से कौन सा एक नहीं था। चंद्रप्रभा, नाथ मुनि, नेमी, संभव। कौन सा एक जैन तीर्थकर नहीं था, तो सही जवाब है 11वें का ऑप्शन बी, नाथ मुनि। चंद्रप्रभा थे, नेमी थे, संभव थे। नेमी नेमी नाथ, ठीक है, एक ही बात है। तो ये प्रश्न पूछा गया है पैट की परीक्षा में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे। महावीर स्वामी किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे, ये प्रश्न है। 12वें का सही जवाब है क्षत्रिय, सी इसका सही जवाब है, क्षत्रिय, क्षत्रिय। एकदम सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं। 3 से 4 बार पूछा गया है, ये आरओ की परीक्षा में पूछा गया है, पैट की परीक्षा में भी पूछा गया है। पार्श्वनाथ वो संबंधित थे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। 13वें का सी है, ऑप्शन सी, वाराणसी, पार्श्वनाथ। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, या फिर दूसरे शब्दों में जो प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किसमें मौलिक सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है पैट की परीक्षा में। तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ या फिर मौलिक सिद्धांतों से संबंधित जैन ग्रंथ कौन सा है। 14वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 पूर्व जैन ग्रंथ है, जिसमें कि जैन धर्म से संबंधित मौलिक सिद्धांतों का विवरण है। 14 पूर्व जैन ग्रंथ कल्प सूत्र, जिसमें जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र का वर्णन है, उसके लेखक कौन है। तो पहले तो आपको याद रखना है कल्प सूत्र किससे संबंधित है, जैन ग्रंथ से। क्या है इसमें, जैन तीर्थकरों के जीवन का चरित्र का वर्णन किया गया है, इसके लेखक कौन है। भद्रबाहु, भगवान भद्रबाहु। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। उनका महापरिनिर्वाण यानी कि उनका मृत्यु, जो उन्होंने समाधि ले ली, उनका जन्म, उनका गृहत्याग, उनका प्रबोधन। तो गृहत्याग जब उन्होंने किया वो घोड़े से दर्शाया जाता है, प्रबोधन जो उनका हुआ वो वृक्ष से, और उनका जन्म कमल से। 16वें का सही जवाब क्या हुआ, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, महाभिनिष्क्रमण। उनका जब उन्होंने घर छोड़ा वो जो है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाता है।
और जो छवि जो इंगित की जाती है वो घोड़े से की जाती है। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण घटना जो है संज्ञा दी जाती है भगवान बुद्ध द्वारा घर का त्यागने को, जो घोड़े से दर्शाया जाता है, बोधि वृक्ष उनके ज्ञान जो प्रबोधन हुआ उनसे, और स्तूप उनकी जो है महापरिनिर्वाण, उनका जन्म कमल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य ऑब्लिक स्थान का संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं था? कौशल, मगध, वैशाली, अवंती। भगवान बुद्ध के समकालीन जीवन से कौन संबंधित नहीं था? सत्रहवें का सही जवाब क्या होगा? सत्रहवें का सही जवाब है कौशल था, मगध भी था, वैशाली भी था, अवंती। अवंती किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था। सरल प्रश्न है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। महात्मा बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। सही जवाब है 18वें का ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। एकदम बेसिक क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसमें गलती मत करिएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की महाध्यक्षता किसने की? कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है, इजी प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। महाकश्यप द्वारा, महाकश्यप। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होगा? ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, हवा में पार्टिकल्स की। तो सबसे तेज होगा धातु में, धातु में भी सबसे तेज इस्पात, स्टील में, और सबसे कम या न्यूनतम होगा ही नहीं वो है निर्वात, वैक्यूम में, अंतरिक्ष में एकदम करीब से सटे हुए दो व्यक्तियों को भी एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो निर्वात है, वैक्यूम है, वहाँ पे कोई माध्यम नहीं है इस वजह से। और सबसे तेज होगा स्टील धातु, धातु जितना ठोस होगा, जितना ज़्यादा पार्टिकल्स आपस मजबूत होंगे, उतना ही ज़्यादा ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, जो साबुन का बुलबुला होता है उसके अंदर का प्रेशर, वो वायुमंडल की तुलना में क्या होता है? अधिक, कम, बराबर या आधा? साइंस का प्रश्न है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का प्रेशर हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। 21वें का ऑप्शन ए है। कमेंट करके जरूर बताना है आपको कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। एक प्रश्न देखिए, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इनका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इन किरणों में अत्यधिक ऊर्जा होती है, ये सूर्य से उत्पन्न होती है। आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है। तो इनका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। इन किरणों में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है, ये सूर्य से उत्पन्न होती हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो हिमालय, हिमाच्छादित पहाड़ों के संदर्भ में यूज होता है ये शब्द एल्बिडो। संचार शक्ति से, अवशोषित शक्ति से, उत्सर्जक शक्ति से, वापसी की शक्ति से। तो एल्बिडो जो है वो संबंधित है वापसी की शक्ति से। ठीक है, ऑप्शन डी, पूरा एल्बिडो का कंसेप्ट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो इमेज है वो कहाँ बनती है? रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, अंध बिंदु पर। हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, रेटिना के पीछे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल नहीं है? क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, लौह तत्व आयरन, चूहा विष, जिंक फॉस्फाइड, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा सही सुमेल नहीं है?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सोडियम क्लोराइड जो है वो समुद्र के नमक का सूत्र है, जो कि खाने योग्य नहीं है। खाने का नमक है सोडियम बाइकार्बोनेट। कमेंट करके जरूर बताइएगा टोटल आज कितने सही हुए आपके। फ्रियोन, टेट्रा एथिल लेड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कार्बन टेट्रोक्लोराइड, एंटीनोक प्रशीतक अग्निशामक कीटनाशी। 26वें का एक कठिन प्रश्न साइंस का, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फ्रियोन एसी और रेफ्रिजरेंट में यूज होता है, कूलेंट है, प्रशीतक है। फिर है आपका टेट्राएथिल लेड, ये सुमेल होगा एंटीनॉक। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये आपका सुमेल होगा कीटनाशी है ये। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये आपका सुमेल होगा अग्निशामक। चलिए, ऊन एक प्रोटीन है, रेयान एक रूपांतरित स्टार्च है, रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, फुलरीन कार्बन का एक अपरूप है। 27वें का सही जवाब क्या हुआ? एक सुमेल नहीं है, वो कौन सा है? यहां पर जो गलत है वो है ऑप्शन बी, रेयॉन एक रूपांतरित स्टार्च नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है? प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरीय जल में प्रदूषक जमाव, वैश्विक ऊष्मन। ये प्रश्न जब भी पूछा जाए प्रवाल विरंजन के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक ऊष्मन। ग्रीन हरित प्रभाव कई बार आपको एग्जाम में ये भी लिखा हुआ मिलेगा, उसको भी टिक करेंगे आप, और वैश्विक ऊष्मन को। ठीक है, झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रश्न देखिए 5 से 6 बार पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों में कई बार ऑप्शन आपको मिलेगा बीओडी, एलिलोपैथी, सीओडी। बीओडी जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एलिलोपैथी, सीओडी जो होता है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सुपोषण यूट्रोफिकेशन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सुपोषण। हिंदी में सुपोषण लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश में आपको यूट्रोफिकेशन मिलेगा। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्व की जब प्रचुरता हो जाती है तो ऑक्सीजन जो है वो घट जाती है, जीवों के लिए जो दूसरे जीव हैं वो मर जाते हैं ऐसे झील में, और इस प्रक्रिया को सुपोषण कहा जाता है, जो कि पारिस्थितिकी के लिए काफ़ी घातक साबित होता है। इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन, नाइट्रोजन और फॉस्फेट्स के गाद इकट्ठा हो जाते हैं जिसकी वजह से ये सुपोषण की घटना घटती है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जैव द्रव्यमान किसमें सर्वाधिक रहेगा, तो किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? ऑप्शन जरूर देखिएगा एग्जाम में, यहां पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से सही जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है गहरे सागर। अधिकतम किसमें होगा? भूमध्य रेखीय देश, भूमध्य रेखीय वन, जिसको कि एग्जाम में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मैंग्रूव्स वन, ठीक है, या फिर नदी और सागर के मुहाने जहां पर मैंग्रूव्स के जंगल पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा, तो यहाँ पे जो जैव द्रव्यमान है उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। नंबर वन पे सबसे पहले आपको टिक करना होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, जो कि इक्वेटर के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में स्थित है। बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे घनी वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण पारिस्थितिकी का सबसे बड़ा जैव द्रव्यमान यहीं पाया जाता है, भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में। तो 30वें का यहाँ पे ऑप्शन ए है इस प्रश्न के हिसाब से। तो आज के इस टेस्ट में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। करंट अफेयर के वीडियोस मैं अभी और लेके आऊँगा, ठीक है।
धन्यवाद।